हेलो गाइस, वेलकम बैक टू YouTube चैनल बिजी स्केप व्लॉग। आपको बताऊंगा गाइस, कल रात को एक बहुत ही ज्यादा क्लिप वायरल हो रही है। इस क्लिप में बताया जा रहा है कि ऑल इन ब्लॉग के फ्रेंड्स ने आमिर भाई के ऊपर अटैक किया और आमिर भाई को थप्पड़ पड़े। इससे पहले आप थोड़ी सी क्लिप ही देख लो। बार बार आमिर भाई आलियन लोगों को ना पोक कर रहे थे, शायद इसलिए आलियन लोगों को गुस्सा हो गया होगा और इसलिए आलियन लोगों ने अपने दोस्त को भेजा होगा। कोई भी सीन ऐसे सुनने में आया नहीं, लेकिन ये सुनने जरूर आ गया। आलियन लोगों के दोस्त और आमिर भाई जो है वो डिस्कस कर रहे थे, अपने बात में बात कर रहे थे। बात करते करते उन दोनों में कुछ फाइट हो जाती है, एक दूसरे में बहसबाजी हो जाती है। बहसबाजी की वजह से वो एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे थे, लेकिन सबसे पहले जो थप्पड़ उठाया गया वो उनकी दोस्त की तरफ से उठाया गया। एक चीज शेयर करना चाहते हैं, आमिर भाई जो है वो जम्मू में सेफ नहीं है, बिल्कुल भी, वो बिल्कुल अनसेफ है जम्मू में। आमिर भाई हमारी वीडियो देखे तो हम उनको एक ही बात कहने, आमना अपने पास दो बॉडीगार्ड रख लो। जैसे आमिर भाई को मार पड़ते तो ऑनलाइन लॉग ने भी एक चीज पोक किया अपनी स्टोरी में, तो सबसे पहले वो स्टोरी देख लो। ऑनलाइन लॉग इंस्टाग्राम से एक स्टोरी आउट हुई जिसमें उन्होंने कहा कि बेल जो की मनी रखी है सेफ, टेंशन ना लो। इस बात का ये कहना है कि अगर मेरे को जेल भी हो जाती है तो मैंने अपनी जेल के लिए पैसे रखे हुए हैं बाहर निकलने के लिए, टेंशन बिल्कुल मत लो। जैसे आमिर भाई को मार पड़ती है, जैसे आमिर भाई को थप्पड़ पड़ते हैं, वैसे ही ऑनलाइन लॉग आधे घंटे के अंदर ये स्टोरी डाल देते हो। इसमें आपका क्या कहना है कॉमेंट करके जरूर बताना। यार आपको बता होगा गाइस, कल जेपी ब्लॉग के चैनल से एक वीडियो आउट हुई थी जिसमें एक बच्चा बोल रहा था कि आमिर भाई ने हमें इग्नोर किया। पीछे वाला बच्चा बोल रहा था कि आमिर भाई ने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी क्लिप ही देख लो। आमिर भाई मिला हमको, बहुत इग्नोर मारा। क्या फोटो फोटो लगी हुई आवाज आती है? हाँ हाँ आ रही है। हमने उसके पास अभी आ गया, हमने बोला ना, हां भैया को बोला हमने, भैया फोटो खींचनी है। बंदे ने बोला नहीं नहीं जाओ जाओ अभी नहीं। नहीं नहीं कहां बोला उसने, कुछ बोला ही नहीं। नहीं नहीं कहां बोला उसने, कुछ बोला ही नहीं। वो हाँ यार, तो फोटो उसी बच्चे का हमें इंस्टाग्राम पे एक डीएम आता है और वो थोड़ी सी आपने रिकॉर्डिंग सुन लोगे, वो क्या कहना चाहता है। भैया मैं वो लड़का बोल रहा हूँ, वो जो भाई जो आगे वाला बोल रहा है ना, वो मेरा दोस्त है भाई। जो बोल रहा आमिर भाई ने हमें इग्नोर मारा भाई, वो इग्नोर नहीं मारा भाई। उसने ना भाई हेलमेट पहनी थी, उसको आवाज़ नहीं आ रही। और भाई वो जो बागा, वो इसीलिए बागा भाई, वो थार वाला पीछे से एक आ रहा, वो मतलब बजने वाला, और आमिर भाई ने आगे कर दी और आमिर भाई आगे चली गया और वो दोनों चले गए भाई। इग्नोर नहीं मारा वो भाई, जो मेरे आगे खड़ा है ना मेरे दोस्त भाई, वो उसका इतना बड़ा हेटर है भाई। भाई वो जो मेरा दोस्त था भाई, वो उसको झूठ झूठ बोल रहा है भाई जानबूझ के भाई। वो इतना बड़ा हेटर है, वो चाहता है कि भाई आमिर भाई का चैनल डिलीट हो जाए। बाकी भाई मैं तो भाई आमिर भाई का फैन हूँ, चाहे आप मेरी वीडियो देख लो जाके भाई। आमिर भाई मिला हमको, बहुत इग्नोर मारा। क्या फोटो फोटो रिकॉर्डिंग तो सुन ली होगी। आज रिकॉर्डिंग में बच्चा बोल रहा है कि जो आगे वाला लड़का है ना, वो जो मेरा दोस्त है, वो जानू भाई का फैन है, वो आमिर भाई का फैन नहीं है। आमिर भाई ने हमें इग्नोर भी नहीं किया, आमिर भाई को हेट करता है, इसलिए आमिर भाई के बारे में उसने ऐसा बोला है। कई यार बाकी हम आमिर भाई को दिल से प्यार करते हैं, दिल से ये दिल दिख रहा, दिल से ये वाला नहीं, ये अंदर वाला, इतनी बार बताया जानू स्टंट नहीं, जानू स्टंट नहीं, फिर भी जानू स्टंट कितनी बार बताया कि जानू जी बोलना है, शर्म नहीं इधर को। तो कैमरा बंद कर, आज नहीं भी तेरे को छोड़ता, कैमरा बंद कर, बंद कर कैमरा, तू बंद कर भाई, शर्म अक्ल नाम की कोई तमीज ही नहीं। इतनी बार बोला जानू जी नहीं, जानू जी नहीं, बोले जानू जी की इंसान लोग एक वीडियो आउट हो गया जिसमें जानू स्टंट ने आमिर भाई को पोक करते हुए कुछ कहा गया। आप छोटी सी क्लिप भी देख लो, लैप हो गया। हाँ गाइस क्या चक्कर हो गया भाई, गलत काम करेंगे तो मार पड़ेगी ना, सीधी सी बात है। सो गाइस चलो अभी देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है। थोड़ी शर्म होती है बंदे को, वहाँ पे बंदे को थप्पड़ चले, आपने मजाक बना के रखा हुआ है। तो कभी गधा बोलते हो, कभी पुष्पला बोलते हो, कभी चोपला बोलते हो, बंदे क्या क्या बोलते रहते हो। नेक्स्ट बेटा ये बोले इंसेन ब्लॉगर अर्जुन एक्स व्लॉग की साइड से, गाइस इंसेन ब्लॉगर अर्जुन एक्स व्लॉग ने भी गाइस आमिर भाई के ऊपर रिएक्ट किया और उन्होंने रिएक्ट करते हुए बोला कि आमिर भाई को थप्पड़ पड़े। सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो भाई। आजकल ना मार शार भी बड़ी पड़ रही है लोगों को, गधों को ना मार चल रही है लोगों से। तो कभी रात को कहीं घूम रहे होते हैं कहीं, भाई देखो यार अपने आराम से काम करो, अपने काम से काम रखो, मतलब रखो, किसी को उंगली नहीं करो बेफालतू की, ठीक है। कोई नहीं सुनता आजकल, कोई बर्दाश्त नहीं करता, किसी को किसी के शरीर से जज ना करो, किसी को किसी के बैकग्राउंड से जज ना करो। भाई वो उनको पता ही है जो वीडियो देख रहे हैं कि क्या मार पड़ती है। इसलिए भाई सबके साथ अच्छा रहो, सबके साथ भाईचारा करो, किसी के साथ कभी भाई दोगला बनावट करो, जैसे कि बंदे करते हैं, कभी इधर आते हैं फिर इधर भाई घुस जाते हैं, उधर आते हैं उधर घुस जाते हैं। मतलब हर बंदे ने मजाक बना के रखा हुआ इस चीज को, आमिर भाई को थप्पड़ पड़े थप्पड़ पड़े। सो गाइस जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो है इश्तियाक जी और सादिक मलिक की साइड से। इश्तियाक जी और सादिक मलिक ने दोनों ने मिलकर आमिर भाई को पोक किया, तो सबसे पहले स्टोरी चेक कर लो। इश्तियाक जी क्या बोलते हो? एक ही बात बोलूंगा बस, कर्मा इज अ बिच बॉय। मैं इज अ बिच बॉय, जो करोगे वो भरोगे और सालों बिच प्रूफ भरोगे, इससे गलत नहीं करोगे।
सियाक जी ने आमिर भाई का पोक करते हुए बोला कि कर्मा इज अ बिच बॉय। सादिक मलिक ने बोला कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस बार में आपका ये राय कमेंट करके जरूर बताना। इसी बात पे विशाल सिंह भाऊ ने भी रिएक्ट किया, तो सबसे पहले आप क्लिप भी देख लो। यार आमिर को लोगों ने समझ के क्या रखा है, जो आता है घंटे की तरह बचा के चला जाता है। तो इतनी बार तो चेन्नई आईपीएल नहीं जीती जितनी बार आमिर इस साल मार खा चुका है। लोग ना 2 महीने नहीं पढ़ने देते यार, एक मसला शांत होता है दूसरा उठ के निकल आता है। मुझे ये समझ चलता है जो भी कुछ चीज होती है ये सारे आमिर भाई के पीछे क्यों पड़ जाते हैं यार। पता नहीं आमिर भाई से अंब मिलते हैं। जो नेक्स्ट वेट आ रही है वो आ रही है पारस छिखराल की वाइफ की साइड से। गाइस पारस छिखराल की वाइफ ने बताया कि पारस छिखराल और मेरे के बीच में ऐसा सीन क्यों हुआ है। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग शेयर की, तो सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग की थोड़े ऐसे कान लगा के सुन लो। वो गलती थी लेकिन तूने जान करके मेरी बसी बसाई जिंदगी, मेरा बच्चा मेरी बीवी सही सब कुछ सही था। तूने जाके उसको बहनचो कपड़े दिला रहा है, जाके बहनचो बोल रहा है। अरे यार कैसी, मेरे को थोड़ी पता है सचिन, मेरे को थोड़ी पता है कि वो तेरी कुछ लगती है। मेरे लिए क्या प्यारी थी वो भाई? प्यारी वो तेरे लिए होगी ना, मेरे लिए थोड़ी प्यारी है वो। उन्होंने कहा यार ये जो पारस छिखराल है किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया था, किसी और लड़की को कपड़े कपड़े लेके देने लग पड़ा था। सो गाइस यार पारस छिखराल लड़की के चक्कर में पड़ने के बाद गाइस अपने औजार का इस्तेमाल भी करने लग पड़ा था। ये औजार क्या होता है भैया, बताओ मित्र को औजार क्या होता है? थोड़ी बहुत शर्म होती है, मतलब जब कोई पीछे सवाल जवाब करो तो बोलने पड़ जाता है ये क्या होता है वो क्या होता है। अगर आप वीडियो देखते थे यहाँ तक पहुंची हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना आज बिल्कुल मैंने बोला। ये कमेंट करके जरूर बताना यार आप किसके फैन हो। हम 100 बार बता चुके हैं हम आमिर भाई के कट्टर फैन हैं और आमिर भाई को दिल से प्यार करते हैं। ये दिल से प्यार करते हैं। गाइस यार हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।